ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा अपन आज एक नई टेक्निक लेके आए हैं जोश और ऊर्जा के साथ में, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की एक तकनीक है, ठीक है ना। अब इस तकनीक का हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको मेरे हिसाब से पढ़ते पढ़ते आसानी से याद हो जाएगी। तो इसलिए बेटा ध्यान दें, नाम है यहाँ पे जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ कि जेल क्या होता है, जेल किसे कहा गया है। तो ध्यान दें बेटा, जेल एक यहाँ पर मुख्य तो जेल दो क्यों में लेते हैं, वो एगारोस जेल होती है, एगारोस जेल, और एक होती है पॉलीएक्राइल, एक्राइलेमाइड जेल। ध्यान दें बेटा, एक जेल का नाम है पॉलीएक्राइलेमाइड जेल, एक का नाम है एगारोस जेल। ये दो जेल हम यहाँ मुख्यतः यूज करते हैं, जिसमें मोस्टली हमारी होती है एगारोस जेल। अब समझ में आना चाहिए कि ये जेल क्या है। जेल वैसे अपन कहें कि इस जो मीडियम रहता है ऐसी मैट्रिक्स का कार्य करती है, यहाँ पे मेनली मैट्रिक्स के रूप में रहती है ये। दूसरी बात है, ये जेल एक प्राकृतिक बहुलक है, देन नेचुरली पॉलीमर है। वापस समझिए कि जेल जो हम मुख्यतः यहाँ पे कैम लेते हैं कौन कौन सी, एगारोस जेल एंड पॉलीएक्राइलेमाइड जेल, और विशेष रूप से यहाँ कौन सी जेल का उपयोग करते हैं सामान्यतः, एगारोस जेल का। और इस एगारोस जेल की बात करें तो एक सामान्य मैट्रिक्स के रूप में कार्य करती है, ये एक प्राकृतिक बहुलक है। अब क्वेश्चन बनता है किससे प्राप्त की जाती है, तब आंसर याद रहना चाहिए सी वीड्स, बोले तो समुद्री खरपतवारों से प्राप्त की जाती है, समुद्री घास से कह सकते हैं, या खरपतवारों से इसको प्राप्त किया जाता है। देन आइसोलेटेड फॉर सी वीड्स, एग्रो जेल आइसोलेटेड फ्रॉम सी वीड्स, समुद्री खरपतवारों से इसको पृथक किया जाता है, ये प्राकृतिक बहुलक है और यहाँ पर ये मैट्रिक्स के रूप में कार्य करती है, समझ गए ना। तो अब बात आगे ध्यान रखना, एक आता जैसे अगार अगार, आपने पढ़ा होगा अगार अगार, एक क्वेश्चन आता जिंदगी के अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, ये ऐसे ही मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और विशेष करके जो शैवाल रहता है ग्रैसीलेरिया, ग्रैसीलेरिया जिलेडियम, ये मुख्य शैवाल है, एल्गी है, जिनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है। तो ये अगार अगार है, ये एगारोस जेल है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो एक प्राकृतिक बहुलक है, जनसीवीड से प्राप्त करते हैं, समुद्री घासों या खरपतवारों से इसको प्राप्त किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर एक मुख्य बात ध्यान रखने की और है कि ये तो हुई जेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह आई कि ऐसी तकनीक जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट को, डीएनए के खंडों को चार्ज या इलेक्ट्रिकल को आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, तो चार्ज एंड साइज के आधार पर डीएनए खंडों को पृथक करना, डीएनए के खंडों को अलग करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी तकनीक जिसमें जो डीएनए के खंड होते हैं इनको कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड साइज के आधार पे हम करंट देके
करंट और आकार के आधार पे अपन क्या है करंट देके या उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज देके और उनको आकार के आधार पर डीएनए के खंडों को यदि हम पृथक करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हुई जेल और ये हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों की परिभाषाएं हो गई अलग अलग शब्दों की। अब जानिए कि हम किसी माध्यम में हम डीएनए के खंडों को एग्रोजेल जेल जैसे स्लैब में रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से करंट या इलेक्ट्रिकल चार्ज के आधार पर डीएनए के खंडों को पृथक करना या अलग करना क्या कहलाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। इसकी परिभाषा और इनकी शब्दावली हुई, समझ गए। फिर अगला बनता है यहाँ पे कि डीएनए जो होता है, ध्यान दें, डीएनए नेगेटिवली चार्ज का होता है। मोस्टली क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली होते हैं, बोले तो ऋणावेशित होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको जब हम एग्रोजेल में विद्युत धारा के साथ प्रवाह करते हैं तो इनकी गति हमेशा एनोड की तरफ होती है, पॉजिटिवली चार्ज की ओर होती है, मूवमेंट हमेशा इनका किधर होता है, इनका मूवमेंट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज की ओर होता है। तो डीएनए के अणु हमेशा ऋणावेशित होते हैं और जब इनको इस जेल स्लेब में इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के या विद्युत धारा के प्रभाव करने पर इनका जो मूवमेंट होता है, इनकी जो गति होती है वो हमेशा किधर होती है, एनोड की तरफ होती है, पॉजिटिवली चार्ज की ओर होती है। तो आया समझ में। और यहाँ पर एक ट्रिक्स होता है, बहुत अच्छे से काम करता है ट्रिक्स, जिसका नाम है डीएनए। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। ए का मतलब क्या है, एनोड। डी का मतलब क्या है, डीएनए। ट्रिक्स है, ध्यान रखना। इस ट्रिक्स को याद रखने का तरीका है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज का होता है और ये हमेशा मूवमेंट किधर करता है, एनोड की तरफ। जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज का होता है और इसकी गति हमेशा एनोड की तरफ होती है। तो ये बात यहाँ पर मुख्यतया हुई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हमें इस विधि को क्यों उपयोग में लेने की जरूरत पड़ी। आपको ध्यान होगा, यदि हमारे पास में डीएनए का सैंपल इटलेस है बहुत कम है तो, और इस तकनीक को हमें काम में लेना है, तो आपको जाने से पहले हमने एक तकनीक पढ़ी थी पीसीआर। क्या पढ़ी थी, पीसीआर, जिसको पॉलीमर चेन रिएक्शन कहते हैं। इसके माध्यम से हम इन सैंपल को बढ़ा देंगे और बहुत सारे डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उनकी संख्या में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। मतलब हमें इस सैंपल को बढ़ाने से कौन सी तकनीक काम में लेनी पड़ेगी, पीसीआर, जिसमें डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार हो जाएगी। इसके बाद में जरूरत पड़ी ये कि प्रतिकृतियां तो तैयार हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर जो मुख्यतया कहें तो डीएनए के जो मुख्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, एक बोले तो डीएनए के धागे होते हैं, जो क्या हम कह रहे हैं थ्रेड्स होते हैं, इनको हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, इसको हम आसानी से नहीं देख सकते, बोले तो नहीं पढ़ सकते या नहीं देख सकते,
लेकिन यह जानना ही जरूरी है, अर्थात मैं कहूं इसको तो आप एक ही बात से समझ गए होंगे कि हम इतने बड़े फेज के साथ बात करें या तो कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उन सीक्वेंस को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो सीधी बात होगी कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसों को हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि ये थ्रेड्स क्या रहते हैं या डीएनए के जो खंड होते हैं बड़े रह जाते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को नहीं पढ़ पाते हैं। इसी को जानने के लिए डीएनए के खंडों को क्या करना है, पृथक करना है, और इसी पृथक करने के लिए हमें जरूरत पड़ी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब हम इसकी मेथड पढ़ेंगे, तो हम बात कर रहे हैं अभी मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझिएगा मेथड क्या है, विधि कैसे है, किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम डीएनए के खंडों को पृथक कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बेटा एक एक स्टेप में बड़े आसान तरीके से। पहला ही पहला हमें ये जानना चाहिए कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए रिक्वायरमेंट फर्स्ट पॉइंट हमारा पास में रहेगा डीएनए, तभी हम उसके खंडों को क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ध्यान दो स्टेप नंबर वन, क्या सबसे पहले डीएनए खंड को, सबसे पहले तो डीएनए की जरूरत हुई, डीएनए को हम ले लिया, उसके बाद डीएनए के खंड को रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। आपको यहां पर एक क्वेश्चन याद आ गया होगा जो नीट से लेके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक पूछा गया है, किस एंजाइम को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम आणविक टेंसी भी कहते हैं, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस एंजाइम्स के द्वारा हम डीएनए को काट कर डीएनए का क्या करते हैं, एंजाइम द्वारा काट कर डीएनए का खंडन किया जाता है, मतलब डीएनए को खंडों में बांटा जाता है। तो बेटा ध्यान दें यहाँ पे डीएनए को जब खंडों में बांटा जाता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है कैसे, ध्यान दें जैसे हम कह रहे हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, और इस डबल स्ट्रैंड में हम निश्चित सीमाकारी जगह पर इसको क्या कर लेते हैं, काट देते हैं। तो इसकी निश्चित सीमा कार्य जगह पर काटने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है। फिर बेटा अगली बात आई, जब हमने इसके डीएनए के खंडों को इस एंजाइम के द्वारा काट दिया, नो डाउट कोई क्लियर हो गया आपका पॉइंट कि सबसे पहले हम डीएनए के खंडों को लेते हैं, उसके बाद में हम एक एंजाइम जिसका नाम है रेस्ट्रिकेशन एंजाइम, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, इसको और नाम से जाना जाता है आणविक कैंसी, जिसकी सहायता से हम डीएनए को खंडों के रूप में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये सब काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो होता है लैब में होता है, तो ध्यान दीजिए ये काम हो गया अपना। इसके बाद में क्या करें, अब इन कूपों में डीएनए सैंपल को रखते हैं। अब ध्यान दें ये एक हमारी टेक्निक का फॉर्मेट है, तो इसमें ध्यान दें ये जो अंदर की तरफ जो रखा हुआ है ये जेल का स्लैब है, ये इस बॉक्स के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बफर का जो बॉक्स जिसके अंदर जेल स्लैब को रखा गया है, अब इसके अंदर ध्यान दें ये ऐसे कॉलम्स बने हुए, वेल्स बने हुए हैं, कितने बने हुए, चार वेल्स बने हुए हैं इसके अंदर, है ना, डक्ट बने हुए ऐसे। अब ये किसके अंदर बने हुए हैं, ये एक जेल को इसके अंदर फैलाया गया है, ये जेल स्लैब जहां पर ध्यान दें लिखा हो और उसके अंदर जेल को पूरा यूं फैला दिया गया, उसके अंदर ऐसे डक्ट बना दिए गए। अब अपन कह रहे हैं ये डक्ट बना दिए गए हैं या वेल्स बना दिए हैं, कूप बना दिए गए, इन कूपों में
हम इस डीएनए सैंपल को क्या करते हैं, रखते हैं। तो हमें इसके अंदर इनको डालना पड़ेगा, जो हमने डीएनए को रेस्टिकेशन एंजाइम से क्या किया, डाइजेस्ट करके डाला, उसको इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने योग्य है, वो हम अभी आगे बताएंगे कि एडाजोल अणुओं के मध्य सित्र पोर उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दें, एडाजोल हमने डाली है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में सूक्ष्म सिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये आणविक सलनी की तरह कार्य करता है। इसीलिए ये सानने का एक मॉलिक्यूल सानने का काम करता है, जैसे खंड है वो अलग अलग होते जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखो बड़े ध्यान से, इसके बाद जेल स्लैब में विद्युत धारा प्रवाह देने से, अब मैं आपको कहूंगी एक बॉक्स जिसके अंदर मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान दें, ये इसके वेल्स हो गए, अब इन बैंडों के बारे में बात पढ़ेंगे, एग्रो जेल हो गया, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये बार की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये बफर बॉक्स है। ये क्या है, जेल स्लिप की बार है। कैसा बॉक्स है, बफर बॉक्स है, ध्यान रखना। अब अपन को ध्यान रखना यहाँ क्या है, ध्यान रखना ये कि हमें यहाँ पर करंट देना है, देन चार्ज देना है। कैसे चार्ज उत्पन्न होगा ये जानना बेहद जरूरी है। तो बेटा ध्यान दें कि ये जो बफर सॉल्यूशन होता है, बफर बॉक्स में भरा रहता है, तो मैंने यहाँ लिखा है बफर बॉक्स में बफर सॉल्यूशन भरा रहता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा यहाँ पे कि बफर बॉक्स में बफर सॉल्यूशन बना रहता है। अब आपको ध्यान रखना इस बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ध्यान रखने योग्य बात यह हुई कि इस बफर सॉल्यूशन में फ्री आयन को ये कैरी करता है। ये क्या करता है, जो फ्री आयन्स होते हैं उनको यहां पर कैरी करता है। फ्री आयन का मतलब मुक्त अणुओं को ये कैरी करता है, इसीलिए जो आयन्स होते हैं उनका क्या होती है, भाग दौड़ होनी शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन में अणु इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, बार बार इधर से इधर गति करना शुरू करते हैं, तो उनकी गति की वजह से, मूवमेंट की वजह से ही चार्ज क्या होता है, जनरेट होता है, मतलब उत्पन्न होता है। इस तरीके से इनके अंदर ये इलेक्ट्रिकल करंट क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो ये जेल स्लैब में विद्युत धारा प्रवाह देने से अपने आकार के खान जो अपन कह रहे हैं डीएनए के जो होते हैं, इसके बाद जेल स्लैब में विद्युत धारा प्रवाह देने से अपने आकार के कुछ डीएनए खंड, अपने आकार के कुछ डीएनए खंड तेजी से कुछ धीमे से गति करते हैं और अलग अलग जगह पर बैंड पट्टियां बना देते हैं। इधर ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट दिया, जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ दिया, देने से बफर सॉल्यूशन में आयनों में क्या होने लगी, गति होने लगी, उनके गति होने से चार्ज जनरेट होने लगा, और वो चार्ज यहाँ पर जब जनरेट होने लगा तब हम कहेंगे इस एग्रोजेल स्लैब्स के अंदर, एग्रोजेल स्लैब्स के अंदर डीएनए के जो खंड थे वो हमेशा आपको जाने कैसे थे, नेगेटिव थे, और यहाँ पर जब करंट दिया गया तो ये किधर गति करेंगे, ये पॉजिटिव की ओर गति करेंगे। इधर हमने डाला है, इधर पॉजिटिव चार्ज है एनोड, तो ये गति किधर करेंगे, इस साइड में करेंगे। तो यहाँ पर ये गति कर रहे हैं इस साइड में। देखो डीएनए यहाँ था, इससे छोटा खंड आगे, जितना छोटा खंड होगा, देन लिखा स्मॉलेस्ट बैंड एंड लार्जेस्ट बैंड, जितना छोटा बैंड होगा वो तेजी से गति करेगा, मोटा बैंड होगा तो वो धीरे से गति करेगा। जैसे ध्यान ही मोटू और पतलू, पतलू तो भाग के निकल जाता है, मोटा धीरे धीरे चलता है, सेम कंडीशन है, मोटा खंड होगा तो धीरे धीरे गति करेगा एनोड की तरफ, और छोटा खंड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की ओर तेजी से गति करेगा। इस तरीके से पट्टियां और क्या बन जाती है, बैंड बन जाते हैं। एक बात याद रखने योग्य है कि यहाँ पर हमें जो वेल्स ये हैं, चार वेल्स है यहाँ पे, चारों में हमने डीएनए के सैंपल्स को डाला, लेकिन इसमें कोई बैंड नहीं बना। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये हुआ कि ये इनडाइजेस्ट बैंड है, बाकी सभी डाइजेस्ट बैंड है, ये इनडाइजेस्ट
इक्विपमेंट है कि इसके अंदर अच्छे तरीके से रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस ने इनको डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया, डीएनए को खंडों में तोड़ा ही नहीं, इसलिए ये आगे गति कर ही नहीं पाया। इसलिए हमें ये साबित होता है कि ये जो फर्स्ट वेल्स के अंदर जो डीएनए का सैंपल है वो डाइजेस्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब अपन कह रहे हैं यहाँ पे मोस्टली इसके आगे वाली बात हुई कि अब इन डीएनए के खंडों के बैंडों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये ऐसे जो बैंड बन गए हैं, ये तो बेटा बैंड बने हैं, इनको हम आसानी से नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, एक क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जबरदस्त पूछा जाता है, तो हमें जरूरत पड़ती है इथिलियम ब्रोमाइड रसायन। इस रसायन से हम अभिरंजित करते हैं, कैसे, ये ध्यान दो, ये पूरा स्लैब है, इस स्लैब के अंदर हम इस केमिकल को फैला देते हैं। जब ये केमिकल देयर स्लैब के अंदर फैल जाता है तब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो डीएनए के खंड होंगे वो इस कलर को, इस रसायन को अभिरंजित कर लेंगे, उससे रंग के अंदर उसे रंग जाएंगे, देन स्टेन्स हो जाएंगे, जब स्टेन हो जाएंगे तो मतलब अभिरंजित हो जाएंगे। अब आपको ध्यान होगा अभिरंजित होंगे तब वो होते कैसे कलर के हैं, वो समकीले नारंगी रंग के होते हैं, लेकिन हमें दिखाई कब देंगे, हम इस डेल स्लेब्स के अंदर ऊपर की साइड में क्या डालेंगे, सब लैब के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे, देन अल्ट्रावायलेट डालेंगे, अल्ट्रावायलेट आपने डाल दिया, इधर आपने इथिलीन ब्रोमाइड डाल दिया, जिससे वो अभिरंजित हो गए, कलरफुल हो गए, और ऊपर से यूवी लाइट गई तो हमें वो दिखाई देते हैं, और वो कैसे नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। जब आपको डीएनए के खंड के बैंड्स दिखाई दे दिए गए तब आप अगला स्टेप देखो, अब डीएनए के बैंडों को जेल स्लैब से काट कर निकाल लेते हैं। अब हमें जब बैंड दिख गए तो हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, इनको हम जेल स्लैब से काट कर अलग कर लेते हैं, लेकिन अलग तो करेंगे लेकिन जेल का टुकड़ा भी क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है, तो अगला पॉइंट यही आ रहा है कि हम जेल स्लैब से काट कर इनको निकाल लेते हैं, फिर जेल के टुकड़ों से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर ये जो साथ में जेल का टुकड़ा जो आया है डीएनए के उसको हम हटा देते हैं, निष्कर्ष कर देते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इल्यूशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड एंड नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम क्या कहते हैं, सालन या इल्यूशन कहते हैं। अब हमारा क्या हुआ कि हमें जेल स्लैब के अंदर जो जेल था उससे डीएनए को हटा दिया गया, अब डीएनए एकदम शुद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं इस शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर जो वाहक होते हैं, जैसे हमने कहा प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, ये सब क्या है, वेक्टर है, इन क्लोनिंग वेक्टरों की सहायता से हम आरडीएनए का निर्माण के उपयोग में इसको उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर जो रहेगा और ये हमारा शुद्ध डीएनए का टुकड़ा रहेगा, इन दोनों को जोड़ के हम आरडीएनए की तकनीक के रूप में, तकनीक में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्योर डीएनए के फ्रैगमेंट को हमने अलग करके शुद्ध डीएनए प्राप्त कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, हम पढ़ेंगे कौन सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। इसी तरीके से जुड़ते रहिए और हम कहेंगे आपको बेहतर से बेहतर टेक्निकों को आसानी से समझाते रहेंगे, तो आप इसको एक बार नहीं तीन तीन बार पढ़िए और फिर समझिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।